अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही यमी, मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही इजी घर में सिंपल तरीके से बनने वाला कपकेक की रेसिपी। देखिए कितना शानदार है ये, और इसे हमने बनाया है नो एग और नो कर्ड, बिल्कुल ही घर के सिंपल बेसिक चीज़ों से। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम अपनी कढ़ाई को कर लेंगे प्रीहीटेड, और उसके लिए हमने ली है एक कढ़ाई, उसमें हमने डाला है सॉल्ट, और सॉल्ट को हम चारों तरफ फैला लेंगे। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, और देखिए इसको हम फैला लेंगे और इसमें रख लेंगे एक स्टैंड। और हम इसे इसलिए फैला लें ताकि ये चारों तरफ से प्रीहीटेड हो जाए अच्छे से। और यहाँ हमने एक स्टैंड रख दिया है। मैं गैस को कर दूंगी ऑन और इसे कर दूंगी सिंपल, और इसे छोड़ दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीटेड होने के लिए। अब हम जब तक हमारी कढ़ाई प्रीहीटेड हो रही है, जब तक हम बैटर बना लेते हैं अपने केक का। तो हमने एक बाउल लिया है, हाफ कप यहाँ लिया है रिफाइंड ऑयल। आप रिफाइंड ऑयल लें, और रिफाइंड ऑयल आप ये देख लें कि रिफाइंड ऑयल में किसी तरह का कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। मतलब वो जैसे हम फ्राई करते हैं, कुछ हमारा बच जाता है ऑयल तो हम मिक्स कर देते हैं, नहीं ऐसा ऑयल आपको नहीं चाहिए। आपको फ्रेश ऑयल चाहिए जिसमें कोई फ्लेवर ना हो। वो ऑयल लेना है हाफ कप, और एक कप चीनी लेके मैंने इसे घर में ही पीस लिया था। तो देखिए ये शुगर पाउडर जो है ये मैं ऐड कर दूँगी, और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला कर मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक जान हो जाए और मिक्स हो जाए। अब हम इसे क्या करेंगे ना, चारों तरफ से इस तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसे रख लेंगे हम साइड में, तब तक हम अपने जो मोल्ड है वो तैयार करेंगे। देखिए हमने कोई मोल्ड नहीं लिया है, आज हम बनाएंगे स्टील की कटोरी में, जिसमें आप दाल या सब्ज़ी कुछ भी खाते हैं वही नॉर्मल कटोरी आपके यहाँ जो होती है, बस उसे आपको ऑयल से ग्रीस करना है। और देखिए बटर पेपर भी आपके पास नहीं है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप क्या करें ना, ऑयल ग्रीस करके और चारों तरफ मैदा छिड़क कर इस तरह टैप टैप कर लें चारों तरफ, और फैला लें मैदा। तो उससे क्या होगा ना, आपका जो केक है चिपकेगा नहीं। तो ये हमने तीनों ग्रीस कर लिए हैं ऑयल से और मैदा से, तो इसे हम रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जिस बाउल में हमने ऑयल और शुगर को मिक्स किया था उसी में ही हम छानेंगे मैदा। तो मैदा मैंने लिया है 1.5 कप, और हाफ कप मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड जो है ना वो वैनिला फ्लेवर वाला है, और आप आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ वैनिला वाला लिया था, और इन दोनों चीज़ों को हम छान लेंगे। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून यहाँ मैं बेकिंग सोडा डालूँगी, और उसके बाद पिंच ऑफ यहाँ मैं डालूँगी सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से कर लेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप इसी तरह इसी मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, देखिएगा आपका जो केक है ना, जो पहली बार भी बना रहे हैं वो भी बहुत आसानी से इस केक को बना सकते हैं घर में। और देखिए हमने लिया है मिल्क, और ये मिल्क जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, मतलब नॉर्मल है, ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर पर है ये। और ये हम थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे, हमें एक साथ नहीं डालना वरना बहुत अजीब सा हो जाएगा, पतला भी हो सकता है। तो हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, अभी मैं आपको बताऊंगी हमें कैसी रखनी है। तो देखिए इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डाल देंगे, और पूरा 1 कप मिल्क मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और देखिए ये मिल्क हमने इसमें डाल दिया है, और इसको हम कर लेंगे मिक्स, और चारों तरफ से चलाकर, और इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें हाथ से जो है ना इसे बहुत आराम से मिक्स करना है। ऐसा नहीं करना कि हम इसे फेंटने लगें, बहुत ज़्यादा पतला कर दें, नहीं वो उसकी कंसिस्टेंसी फिर केक वाली नहीं आएगी। और यहाँ लम्स हैं, तो यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी विक्सर का। तो विक्सर की मदद से बहुत हल्के हाथों से, हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है, बेसन की तरह से नहीं करना हमें, बहुत हल्के हाथों से बस इसके लम्स ख़त्म हो जाए ना, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए, बस वैसे ही हमें इतना चलाना है। अब देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल अच्छी हो गई है, और लम्स बिल्कुल नहीं है, एकदम शाइनी शाइनी सा हो गया है। तो देखिए एक ही डायरेक्शन में हमें इस तरह से चम्मच की मदद से चलाना है, देखिए इस तरह से।
और हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है। तो यहाँ हम लेंगे कटोरी और यहाँ मैंने ली है टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो मिक्स वाली जो आती हैं 3-4 कलर की वो भी ले सकते हैं। मेरे बच्चों को मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर ना गुलाब वाला फ्लेवर होता है, वो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और हम क्या करेंगे ना, यहाँ बनाना हाफ हमने टूटी फ्रूटी ली है, उसमें हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून मैदा। ताकि मैदा इसलिए इसमें ऐड करते हैं कि ये एक दूसरे से चिपके नहीं, जब हम बैटर में इसे ऐड करेंगे ना तो ये बैटर के अंदर जो है एक जगह बैठेंगी नहीं, सब जगह मतलब फैल जाएंगी और एक दूसरे से ज़्यादा चिपकेंगी नहीं। बस इसी डायरेक्शन में हमें, एक डायरेक्शन में देखिए कुछ इस तरह चला चला कर बैटर को इसके अंदर टूटी फ्रूटी मिक्स कर देनी है। बस ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे कटोरियाँ जो हमने ग्रीस करके रखी थी और हम इन कटोरियों में मिक्सचर डालेंगे। मतलब हमने हाफ से भी थोड़ा कम रखा है, क्योंकि जब हम इसे बेक होने के लिए रखेंगे ना तो ये ऊपर को आता है, मतलब ये कटोरी से ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये छोटी कटोरी है इसलिए मैंने हाफ से भी थोड़ा कम रखा है बैटर इसमें, ताकि ये जब फ्लफ़ी सा हो जाएगा ना तो ये ज़्यादा बाहर ना निकले और अच्छे से इसमें सेट हो जाए केक। तो इतना आप कटोरी के हिसाब से देख लीजिएगा, थोड़ी बड़ी कटोरी हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। और इसको हम ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी सी और टूटी फ्रूटी डाल देंगे और इसे बेक होने के लिए हम रखेंगे। और देखिए थोड़ा सा हम इसे, जब हम इसमें डाल देंगे ना सारी टूटी फ्रूटी, तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का टैप करेंगे, ताकि जो मिक्सचर है ना इसका मतलब बिल्कुल सेट हो जाए। और थोड़ा थोड़ा सा हम इसे टैप कर देंगे, देखिए कुछ इस तरह से हल्के हाथ से इस तरह से टैप कर देंगे तीनों कटोरियों को। और हमारी जो हमने ओवन बनाया था अपना, मतलब प्रीहीटेड करने जो हमने कढ़ाई रखी थी, वो प्रीहीटेड हो चुका है, अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें केयरफुली रख देंगे कटोरियों को। और हमारा जो ये केक तैयार हुआ था ना, कम से कम ये इसे 15-17 मिनट तक हमने इसे बेक किया था, मतलब 15 से 17 मिनट तक हमने इसे बेक किया था। और इसे हमने ढककर अच्छे से बेक कर लिया था, हमने बीच में प्लेट वगैरह बिल्कुल नहीं हटानी, वरना इसको जो वैसा इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और देखिए हमारा केक बनकर मज़ेदार सा तैयार हो गया, कितना खूबसूरत कलर आया है, अंदर से अच्छे से पक चुका है और कितनी ईजी तरीके से हमने घर में केक बनाकर तैयार कर लिया। तो चलिए अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। और देखिए ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसको निकालने के लिए आपको ज़्यादा एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। हमने क्या करना है कि हम देखिए केक तो बहुत अच्छे से निकल गया था, ज़्यादा चिपका वगैरह नहीं था, लेकिन हमें आराम से केक को निकालना होता है। साइड जो है ना, बस इसको हमने हल्की सी नाइफ घुमाई और हमारे सारा केक जो है आराम से बाहर आ गया। और देखिए कितने मज़ेदार से फ्लफ़ी से कितने खूबसूरत और बहुत टेस्टी अंदर तक ये पक गए थे। और कितने स्पंजी से देखिए कितना मज़ेदार हमारे केक बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरह से ही आप भी अपने घर में बहुत इजी, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाला केक ये घर में तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मज़ेदार लगती हैं, आप इसे एंजॉय करती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। और मेरी तरफ से आप सबको सलाम, अस्सलाम। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ।